हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से तीन राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को पानी दिया जाता है, लेकिन हथनीकुंड बैराज में जलस्तर कम होने से दिल्ली को सप्लाई करने वाला यमुना नदी का पानी प्रभावित हो सकता है। जानकारों के अगर माने तो हथनीकुंड बैराज पर 20 वर्षों में कभी इतना जल संकट देखने को नहीं मिला। 10 लाख क्यूसेक पानी क्षमता वाले हथनीकुंड बैराज में 4,600 क्यूसेक पानी ही बचा है। दिल्ली की मुनक नहर में 3,300 से ज्यादा क्यूसेक पानी की सप्लाई और यूपी को 926 क्यूसेक पानी की सप्लाई हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से होती है। तो हथनीकुंड बैराज में जलस्तर में काफी कमी देखने को मिली है और वहीं की हम ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज की तस्वीरें देख लीजिए। इस बैराज से तीन राज्यों में पानी दिया जाता है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में। दिल्ली एक लैंडलॉक स्टेट है और दिल्ली का खुद का अपना कोई सोर्स नहीं है, तो 80% पानी हरियाणा से आता है और 20% पानी उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों से आता है। हथनीकुंड बैराज की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जलस्तर इतना कम हो गया है। हथनीकुंड बैराज के ऊपर जो भी पानी डिमांड हमारे पास करनाल से और यूपी से आती है जी, जो हमारे पास डिमांड आती है उसे, और जो हमारे पास पानी यमुना का जो बैराज के ऊपर इकट्ठा होता है उस हिसाब से सप्लाई करा जाता है जी, एज़ पर एग्रीमेंट जो हमारा हो रखा है सभी स्टेट्स के साथ। तो इसमें ये वो बात नहीं है कि भी सारा जो पानी है वो एज़ पर शेयर छोड़ा जाता है, तो इसमें यह नहीं कि किसी का कम छोड़ा जाए या ज़्यादा छोड़ा जाए, एज़ पर शेयर जो है वो पानी छोड़ा जाता है। हम जो पानी है वो हथनीकुंड बैराज से मुनक यानी करनाल तक सप्लाई करते हैं, करनाल से आगे दिल्ली सप्लाई होता है। टोटल पानी 4600 क्यूसेक के करीबन पानी है जी हमारे पास, जो कि 3326 क्यूसेक तो हम जी WGC के अंदर जो नीचे जो करनाल तक जा रही है और उसके आगे दिल्ली जा रही है उसमें छोड़ा जा रहा है जी, और 956 क्यूसेक हम EJC के अंदर छोड़ रहे हैं जी, जो यूपी की तरफ जा रही है जी।